यशोमती मैया के नंदलाला। सभी आपके चरण धोकर उसका चरणामृत पीते हैं सखा, और आपने उसी चरण को अपने मुख में रख लिया। यही तो सखा, मैं इस तथ्य से चकित था, इसलिए सोचा एक बार अपने चरणामृत का स्वाद स्वयं भी चख ही लिया जाए। अब जो उपहार लाए हैं वो शीघ्र ही दे दीजिए। कहीं मैया ने आपको देख लिया तो आपको तो अनुभव है वो क्या क्या करने में सक्षम है। आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता सखा। इन अधरों पे पांव के अंगूठे से अधिक ये मुरली शोभा देगी सखा। शीघ्र ही सारा संसार तुम्हें मेरे नाम से और मुझे तुम्हारे साथ से पहचानेगा। प्रभु, मेरे प्रभु, इस अनमोल भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखा। सखा मैया, अच्छा जी तो तूने अपना अंगूठा मुंह से निकाल ही दियो। बड़ा उपकार कियो अपनी मैया पे। कहाँ से आई? मेरे सखा ने उपहार में दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था मैया कि मेरे अंगूठा मुंह में लेने से इतना सब कुछ हो जाएगा। तेरे मुख पे छाई है दृष्टता की छाया, साक्षी है ये जो भी हुआ। ये तुम दोनों उस ऋषि गर्ग और तुम्हारे उस पुत्र का किया धरा है जिसे तुमने मुझसे छुपा रखा है। जो स्वयं दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें सदैव यही लगता है कि उनके पीठ के पीछे उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा है। मुझे तनिक भर भयभीत देखकर इतना साहस आ गया तुझमें कि मुझे प्रत्युत्तर देगी। लगता है तुम दोनों महाराज की तलवार के वार को भूल चुके हो। स्मरण करो,
इतने वर्षों में इसने एक बार भी तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन अनेकों बार तुम्हारे हृदय को रक्त रंजित कर चुकी है ये। मेरी इस तलवार ने तुम दोनों की 6 संतानों का रक्त चखा है, और अब एक और संतान के रक्त में स्नान करने वाली है ये। वो संतान जो गोकुल में पल रही है। बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस। इतना दुस्साहस, तू मुझसे ऊंचे स्वर में बात करेगी अपने बड़े भाई के सामने? बड़े भाई जैसे कौन से कर्म किए हैं आपने, और अब जो कुकर्म करने की आप सोच रहे हैं उसमें भी असफल होंगे आप। देवकी। नहीं स्वामी, आज मत रोकिए मुझे, बहुत सह चुके हैं हम, बहुत मौन रह लिए, परंतु आज इन्हें सत्य का पता चलना ही चाहिए। भैया आपको क्या लगता है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो अपना भाग्य बदल सकते हैं, आप भगवान विष्णु का सामना कर सकते हैं। ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था, पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। पेट चीर के उनके प्राण निकाल लिए थे भगवान ने, तो सोचिए भैया आपकी क्या दशा करेंगे वो। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये आपका अभिमान है या अज्ञान, जो आप भगवान विष्णु का सामना करने चले। देवकी, इस क्रोध का आप कोई लाभ नहीं है भैया, अब तक मैं व्यर्थ ही आपसे भयभीत होती रही, परंतु अब और नहीं, जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं तो फिर आपसे कैसा भय। तू क्यों मुस्कुरा रहा है? अब जे मत ही सोचना कि मैया फिर से अंगूठा चूसने देगी तुझे। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मैया। पहले आकाशवाणी से सुना था, आज मैं दोहराती हूँ, आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं वो कहां है। देवकी, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे चुनौती देकर। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम दोनों का वध कर दूं, किंतु नहीं, तुम्हें श्राद्ध करना बहुत प्रिय है ना, तो ठीक है, तो अब मैं तुम दोनों का वध तभी करूंगा जब तुम दोनों अपनी 8 संतानों का श्राद्ध एक साथ कर चुके होगे। श्राद्ध की तैयारियां करो। मैं अन्नपूर्णा की कृपा से आज अन्नप्राशन के सभी कर्मकांड अच्छे से हो जाए, भोजन स्वादिष्ट बने और मेरे कान्हा को प्रिय लगे, बस इतना आशीर्वाद दे दो तुलसी मैया। मैया कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसकी मैया को अच्छा भोजन बनाना आ तो ही ना है। वाह मैया, इतने दिन तक तो कुछ खाने को दिया नहीं,
और अब जब खाने का अवसर आया है तो व्यग्र हो रही हो। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचिए प्रभु, 2 दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु। हाँ हाँ मुरली, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, पर क्या करूँ, मैया ने तुम्हें मेरी पहुँच से बहुत ऊपर लटकाया है। पर प्रभु, मैं अब तक पहुँचूँ कैसे? प्रभु सोचिए मत, कुछ करिए।